على مسلم اعتمد على مسلم بسرعة كابول شكرا شكرا देखें ये देखें इल्तिजा कर रहा है ये देखें इल्तिजा कर रहा है कि दो मिनट पाँच मिनट हमें दे दें ऐसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे मौकब में चले और हमें अपनी खिदमत का मौका दें फकत ये चीज़ ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए नहीं देखते आप कौन हैं आपका किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो मज़हब से ताल्लुक़ हो ये आपसे नहीं पूछते जी अस्सलाम वालेकुम आलिया अलैहिस्सलाम मदद अरबईन 2022 नजफ टू करबला इतनी आवाम आई है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए अगर आप इस साल अरबईन इमाम हुसैन मशी से रह गए हैं तो कोई बात नहीं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरी मशी नजफ से लेके करबला तक पूरी कवर करें और ऐसा फील कराएं कि आप हमारे साथ हो इस मशी में तो इस वक्त हम जा रहे हैं मौला के रोज़े पे हरम में और वहाँ पे सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे मशी में करबला मेरे साथ है मशहद रज़ा और मुर्तज़ा और मैं आप बताता चलूँ कि गर्मी आउट क्लास गर्मी है बहुत गर्मी है इस वक्त नजफ में पूरे रूट में ड्यूरिंग मशी वो भी बहुत गर्मी है सो उसके लिए ये टर्बन केप सो यहाँ से एंट्रेंस है जेंट्स की वहाँ से लेडीज़ और यहाँ से चेकिंग होगी चेकिंग के बाद अंदर अस्सलामुअलैकुम या अमीर अल मोमिनीन ये मौला की एंट्रेंस है और हमारे साथ हैं नादर भाई सैयद नादर शाह और हम खुश नसीब हैं इतनी तकलीफ़ों के बाद जो पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी वीज़ाज़ का बहुत सारा मसला था और इतनी तकलीफ के बाद भी हम नजफ़ पहुँच गए इंशाल्लाह बाहुकम इमाम आगा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे नादर भाई हम दो शुक्र है कि शहादत में हम जा रहे हैं परवरदिगार तमाम मोमिनीन जो भी हमें देख रहे हैं उनकी हाजात उनकी मुश्किल दूर फरमा लाई आमीन और ये आप आवाम देखें इस वक्त कितनी है यहाँ पे पूरा नजफ पैक है करबला पैक है इतनी आवाम है इस वक्त जो आ गए यहाँ पे वो खुश नसीब जो ना पहुँच सके हमारी उनके लिए दुआ होगी इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह और रश इतनी है इस वक्त बहुत सारी रश है और यहाँ से सलाम पढ़ के हर कोई निकल रहा है मशी के लिए और मशी का ट्रैक ये बाहर मैं लेके चलता हूँ आप सबको हम इंटर हो रहे हैं गेट जनाब मुस्लिम बिन अकील के गेट में से अंदर और सामने मौला का रोज़ा और ये आवाम देखें आप इस वक्त कितनी आवाम है नजफ में और ये आवाम इमाम हुसैन मौला अली अलैहिस्सलाम को लबैक कर रही है ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग हैं ये उसे होता है कि ये मशी स्टार्ट होती है मशी का मकसद है कि पैदल वॉक और इसका डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर है 87 किलोमीटर है और वो लोग यहाँ से सलाम करके मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े से नजफ़ में से फिर वो मशी का स्टार्ट करते हैं
ये सामने मौला का रोज़ा है, दुआ पढ़ें आप भी, दुआ मांगें आज भी। जो सैन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को अकेला तन तन्हा रह गया था, आज उसके नारे से पूरी दुनिया हिलती है। जी तो हमने ज़ियारत मौला अली अलैहिस्सलाम पढ़ ली है और नमाज भी पढ़ ली, अपने अमाल कर लिए और अब हम निकल रहे हैं मशी के लिए। और मशी का दरवाज़ा इधर से है, चारों तरफ से है वैसे, और अभी हम निकलेंगे मशी के लिए और आपको साथ ले चलते हैं और दिखाते हैं मशी में क्या क्या होता है। तो अभी हम मेन ट्रैक पर चढ़ेंगे, जो मशी का मेन ट्रैक है वो सामने इस रोड से आए पीछे आ रहा, और ये ट्रैक जाएगा करबला। शुक्रिया कबूल। शुक्रिया। जी तो इस वक्त हम नजफ के पोल्स में हैं, जो कि नजफ के पोल होते हैं वो 300 पोल हैं, उसके बाद 1400 जो पोल हैं वो करबला के हैं, और ये टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। वो 80 किलोमीटर्स में किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो एहसास नहीं होता कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ मिलती है, न्यास नंगर, दुनिया की वो कोई चीज़ नहीं है जो इस ट्रैक में आपको नहीं मिले। और मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है। और दोनों तरफ रोड के मोकअप चल रहा है, उधर भी न्यास चल रहा है, मेरा कैमरामैन दिखा सके। तो आगे ये इस तरफ इसी तरह से मोकअप लगे हैं, और एक मैं कहता हूं कि 2 इंच की भी डिस्टेंस नहीं है मोकअप मोकअप में है, इतने साथ साथ मोकअप है। शुक्रिया जी कबूल। برج قلبك يا دار عزيز باريس
कबूल हाजी कबूल इंशाल्लाह कबूल हाजी हाजी कबूल हाजी इस सफर इश्क में सच पूछे एहसास होता है थकन का, प्यास का, बंदा थक जाता है, पर इतने खिदमत गुजार जदीद मशीनरी के साथ आपके पांव दबाते हैं, टांगे दबाते हैं, पानी का कोई प्यास का एहसास नहीं है। भूख लगे तो बहुत सारी चीज़ें आप जो दिमाग में चीज़ आती है वो आपको सामने मिलती है, ये मौजज़ा कह लें या जो कुछ भी, पर ऐसा होता है इस मशीन में। अभी हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं मुसलसल मशी करते हुए और थोड़ा थक भी गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आगे पोल नंबर 72 पे हम नमाज भी वहीं पे पढ़ें और थोड़ी देर रेस्ट करें, खाना वाना वहीं पे खाएं, फ्रेश हो जाएं, फिर आगे बढ़ें। ये जो अभी तक चल रहे हैं पोल, जो अमूद हैं वो नजफ़ वाले चल रहे हैं, इसके बाद करबला के शुरू होते हैं। और बिलीव करें हमें 3 घंटे हो गए हैं मशी करते हुए, थक भी गए हैं, प्यास भी लगती है, तो सबीलें बहुत हैं, जूसेस, पानी, एक और ही किस्म की सबीलें हैं भाई, जूसेस हैं। और खाना आप जो चाहेंगे, फिश, पता नहीं जो कुछ है दुनिया में ना वो इस ट्रैक में मिल रहा है। देखें ये देखें इल्तिजा कर रहा है, ये देखें इल्तिजा कर रहा है कि 2 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हमें दे दें। ऐसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे मौकब में चलें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। फकत ये चीज़ ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए नहीं, देखते आप कौन हैं, आपका किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो, मज़हब से ताल्लुक़ हो, ये आपसे नहीं पूछते। फ़कत आप इस रोड पे चल लें, आप ज़ाहिर इमाम हुसैन हैं और ज़ाहिर इमाम हुसैन की इतनी खिदमत देख के रोना आता है कि 1400 साल के बाद भी हुसैन के ज़ाहिरीन की इतनी खिदमत होती है। जो पीछे जो पोल्स थे वो नजफ के थे, अब जो मैंने पोल दिखाया ये करबला के हैं, और ये जो पोल्स हैं इनकी तादाद है 1440 या 1450 इस तक हैं, और ये 50 मीटर के डिस्टेंस पे होगा या उससे कम, पर इतने नज़दीक है। पोल्स अरबी में इसको उमूद बोलते हैं, और ये जो हैं ये आपको लोकेशन जो है वो मेंशन करते हैं कि आप कहाँ पे पहुँचे हो, कोई भी दोस्त आगे पीछे हो जाता है तो वो इन पोल्स के ज़रिए ट्रेस हो जाता है कि मैं इस पोल पे खड़ा हूँ, मैं उस पोल पे खड़ा हूँ। जी तो मगरबन का टाइम हो गया है और अभी ये मौका भी चल रहे हैं, 7-3 ट्रैक है, अब 3 रास्ते हैं, एक ये अंदर वाला और फिर उसके बाद ये दूसरा ट्रैक वहाँ से नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है तीसरा गाड़ियों वाला। सो मौकअप दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, और इससे रायशवारमा भी बनाया जा रहा है और ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा और फिर ज़ायरीन में ये तकसीम किया जाएगा। और देखें साइज़ देखें, ये हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी वालेकुम अस्सलाम। ये सैंडविच चल रहे हैं और ये बन रहे हैं यहाँ पे। तो
اهلا مسلم اعتمد اهلا مسلم يلا ابو يلا يلا ابو ياسر पीछे शवारमा चल रहा था और यहाँ पे रोटी और कबाब चल रहे। सो अमजद लाइन में है, अमजद लेके आना, सवाब करूँगा मैं भी। दिस इज़ द मेकिंग माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह मामनून, ये इन्होंने दिया है मामनून। सो 72 पोल नंबर और ये पाकिस्तानी मौकब है और देखते हैं यहाँ पे हमें खाने के लिए क्या मिलता है। तो खाना भी खाएं और नमाज भी पढ़ें। ऑल पाकिस्तानी इज़ हेयर। बोला इनका भी ये न्याज कबूल फरमाए। तो ये पाकिस्तानी मौकब है पाकिस्तान के मोमिनीन की तरफ से। एंट्री इधर से है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज द मौका। ओके मोमिन सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और हम भी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पे, नमाज पढ़ेंगे फिर आगे निकलते हैं। तो ये न्याज है, यह हमें नसीब हुआ यहाँ पे पाकिस्तानी मौकब है, उसमें हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर निकलेंगे आगे जी। तो ये पाकिस्तानी मौकब था, बहुत अच्छा न्याज था, नमाज भी पढ़ ली। अभी हम रेडी हैं निकलने के लिए और ये राकी भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मौकब खूब, ममनून ममनून। और ये हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लस्सी पिए, ताज़ी ताज़ी लस्सी। डर लग रहा है कि नींद ना आ जाए हमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन फिर से स्टार्ट है और 72 पोल नंबर से हम निकले हैं और ये कॉपीराइट लगाएगा मुझे। ये भी मेरे पीछे एक पाकिस्तानी मौकब है और हम यहाँ पे चाय पियेंगे, बस चाय उठाएंगे और निकलेंगे आगे क्योंकि हमें लीड भरनी है, बहुत बड़ी लीड है और हम पीछे रह गए हैं और अब स्पीड देनी है स्पीड। और यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द स्पीड को बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएंगे तो काम होगा वरना नहीं होगा। मेरे भाई थक गए हो? थके हो तुम? कोई भी नहीं थका, इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द। चाय पीते हैं, चाय उठाते हैं फिर निकलते हैं। जी तो आज हम स्टे करेंगे यहाँ पर, बहुत सारा थक गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, या अली मदद।